आज के वचन का शीर्षक है पश्चाताप एक वरदान है और जो परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये पश्चाताप है क्या, पश्चाताप क्यों एक वरदान की तरह परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम पश्चाताप के द्वारा अपने रास्ते को सीधा करें। हम अगर कहीं जा रहे हैं, हम कहीं भटक गए हैं, हम कहीं दूसरी जगह चल गए हैं, तो हम पश्चाताप के द्वारा सीधे रास्ते पर आ जाएं। इसलिए एक वरदान है, ये बोझ है, प्रार्थना एक बोझ है जो परमेश्वर आपको देता है। अगर आपके मन में प्रार्थना करने का बोझ नहीं है तो आप खतरे में। प्रार्थना करने का बोझ, पश्चाताप। देखिए, परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुना, हालेलुया। हम इस संसार में थे और हम इस संसार को बहुत अच्छा समझते थे। झूठ बोलना अच्छा है, धोखा देना अच्छा है, हमारा सुख हमको मिले, प्रेज द लॉर्ड। हम बड़ा अच्छा समझते थे इस संसार को, हम कोई गलत नहीं समझते थे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुना और हमें अपना बना लिया, और अपना बनाकर उसने हमें नया किया, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़े ली, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया, पूरी तरीके से हमें उस संसार के बारे में बताया कि संसार क्या है, शैतान क्या है, परमेश्वर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नहीं, परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से नया किया, संसार से निकालकर नया किया, लेकिन फिर क्या किया, हमें संसार में छोड़ दिया। अब क्या है कि जिस संसार में हम पहले थे उससे प्यार करते थे, अब जब हम संसार में हैं तो हम जानते हैं कि संसार गलत है। क्यों छोड़ा परमेश्वर ने हमें संसार में? अब हमें नया बनाकर, अपनी आत्मा देकर, आत्मा की शक्ति देकर, सामर्थ्य देकर, अधिकार देकर परमेश्वर ने क्यों छोड़ा इस संसार में जिससे हम आए थे? ताकि हम इस संसार में उसके राज्य को ला सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस संसार में रहते हुए हमारे पास दो काम है। पहला काम है कि हम अपने आप को स्थिर रखें। संसार है, दोस्त यार हैं, रिश्ते हैं जो पूरी तरीके से प्रभु में नहीं आए हैं, हम उनसे कैसे अपने आप को स्थिर रखें, कैसे बचाएं? शैतान उनके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, तो हमारी स्थिरता कैसे बनी रहेगी? जब हम पश्चाताप करेंगे, हालेलुया। जब हम महसूस करेंगे कि नहीं, मैं गलत हूं, जब हमारे अंदर वो डर हुआ कि नहीं, हम परमेश्वर से दूर ना जाएं, क्योंकि हमने यीशु को जान लिया है, हमने प्रभु को पहन लिया है, हमने उसकी आत्मा को चख लिया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इस संसार में आकर प्रभु से दूर हो जाएं, क्योंकि हम प्रभु के लिए हैं, हम यीशु के लिए चुने गए हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए संसार में रहते हुए हम डर कर, भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की हर पल कोशिश करें। इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए, इमीडिएट हम पश्चाताप करें कि प्रभु दया कर। लेकिन यह ना हो कि हम रोज पश्चाताप करें और रोज वही काम करें। पश्चाताप हमें नया, अपने पुराने अस्तित्व में, अपने पुराने विचार में, अपने पुराने व्यक्तित्व में लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या है कि हम इस संसार में रहते हुए स्थिर करके, नहीं कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। नंबर दूसरा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। कैसे? सुसमाचार देकर। इस संसार में ही रहते हुए हम दुनिया को बताएं कि प्रभु क्या है, यीशु कौन है, और उसने हमें चुनकर क्या बना दिया है, हालेलुया। ये संसार क्यों नहीं आ रहा प्रभु की तरफ? क्योंकि वो उसकी कीमत को नहीं जान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पैसे की कीमत को जान रहा है संसार, मान सम्मान की कीमत को जान रहा है, नौकरी की कीमत को जान रहा है, धंधे की कीमत को जान रहा है, पैसे की कीमत को जान रहा है, लेकिन अनंत काल के जीवन की कीमत को नहीं जान रहा है। कि हम अनंत काल का जीवन जो दिया है यीशु ने, वो कितना कीमती है। वो सुख, वो माफी, वो जो हमें क्षमा मिली है परमेश्वर से, वो कितनी अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, इस संसार में रहते हुए हमें उस कीमत को समझकर दुनिया को बताना है कि वो चीज जो खजाना है, जो असली
असली सुख है, असली जीवन है, वो ज्योति है, वो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कहीं भटके अपने आप को रास्ते पर लेकर आए। इसलिए आज का जो मेरा वचन है वो है कि पश्चाताप एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। हालेलुया। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम, अय्यूब पहला 1-5। हालेलुया। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो निर्दोष खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। इसको मार्क करिएगा। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां तथा बहुत से नौकर चाकर थे। वो पूर्व के देश लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी एक दूसरे के घर जाया करते और भोज किया करते थे तथा वे अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा किया हो। अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब कौन था? एक धर्मी था। उसने शैतान से कहा, जा, इस धरती पर अय्यूब जैसा कोई धर्मी नहीं है, अय्यूब जैसा कोई खरा नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता था? हर शाम जब बच्चे खा पी कर आते थे पश्चाताप करता था। संभवतः मेरे बच्चों ने कहीं पाप तो नहीं किया, संभवतः मेरे बच्चों ने कोई देखकर ऐसी चीज देख ली हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, संभवतः मेरे बच्चों ने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो, संभवतः मेरे बच्चों ने अपने मन में कोई ऐसा विचार लेकर आया है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो मुझे पश्चाताप करना है। आज हम इस दुनिया में रहते हैं, कई चीजें हम देखते हैं जो गलत हैं। आज हमें 3 तरीके की प्रार्थना रोज करनी है। पिता परमेश्वर, अगर मैंने गलती से तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ देखा है जो तुझे पसंद नहीं है, मुझे क्षमा कर। अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया है जो तेरी दृष्टि में गलत है, मुझे क्षमा कर। अगर मेरे मन में कोई ऐसा विचार आ गया है जो तेरी दृष्टि में गलत है, उसे क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पश्चाताप हमारे लिए बहुत जरूरी है। पश्चाताप की भावना, पश्चाताप की आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं। पश्चाताप कैसे आपके अंदर आता है? देखिए, पाप, जब आप पाप करते हैं आपके अंदर एक भय आता है। क्यों आपके संग ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जान चुके हैं। पश्चाताप आप कब करेंगे? आप जान चुके हैं क्या गलत है क्या सही है। हालेलुया। मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 1:7 कहता है कि यहोवा का भय परमेश्वर बुद्धि का आरंभ है। भय शुरुआत है पश्चाताप की। जब आपके अंदर भय आता है तो वो भय आपको पश्चाताप की ओर लेके जाता है। जब आपके अंदर भय आता है कि मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूं, तो पश्चाताप उस भय के साथ आता है और आप घुटना टेक कर कहते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, क्षमा कर, दया कर। इसलिए उसने कहा यीशु मसीह ने, अपने दुश्मनों को माफ करो। इसीलिए पतरस को उसने कहा कि अगर कोई पश्चाताप करके तुमसे माफी मांगे 7 के 77 बार तो भी उसे माफ करो। क्यों? क्योंकि जो तुमसे माफी मांग रहा है 7 के 77 बार उसको बोझ मैं दे रहा हूं। कौन दे रहा है बोझ उसको? माफी मांगने का बोझ कौन देता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर बोझ कौन डालता है कि मैं परमेश्वर के योग्य बनूं? आप कलीसिया क्यों आते हैं? ताकि मैं परमेश्वर के योग्य चाल चलूं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चल रहा हूं तो मुझे पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में आना है, उस रास्ते पर आना है जो परमेश्वर का है, उस मार्ग पर आना है, उस जीवन को चलना है, उस ज्योति में रहना है जो परमेश्वर की है। हमें जांचना है अपने आप को। भजन संहिता 39 का 1 देखिए। भजन संहिता 39 का 1
भजन संहिता, भजन संहिता 39। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे अपनी चाल चलन में चौकसी करनी है कि कहीं मेरी चाल गलत तो नहीं है, कहीं मैं अपना धंधा करते करते कुछ गलत चाल तो नहीं चल रहा हूं, कहीं कोई लालच मेरे अंदर तो नहीं आ गया है। भजनकार कहता है कि मैंने कहा मुझे अपने चाल चलन में चौकसी करनी है। क्या करना है? चौकसी कैसे करेंगे? जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप महसूस करेंगे, जब आप उस चाल को जान जाएंगे, जब आप उस खरी चाल को जान जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से है। Praise the Lord. Hallelujah. उस चाल को समझना, और यीशु ने वही किया हमारे लिए। जब हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया, पूरी तरीके से अपने लहू से हमें धो दिया, पवित्र कर दिया, और हम जान गए कि पवित्रता की शक्ति क्या है। हम जान गए कि पवित्रता का खजाना सबसे बड़ा है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई मूल्य नहीं है। और वो पवित्रता का खजाना देने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमें पवित्र किया अपने लहू से। तो अब हमें इस देश में रहते हुए, धरती पर रहते हुए अपनी पवित्रता को बना के रखना है। ये हमारा काम है, ये काम प्रभु का नहीं है, ये हमारा काम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बोलने से पाप ना हो, आपके देखने से पाप ना हो, आपके सुनने से पाप ना हो, आपके मन से पाप ना हो। जब हम कॉन्शियस रहेंगे, जब हम अलर्ट रहेंगे, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर घुस सकती है। पाप आपका सर्वनाश करेगा, क्योंकि पाप है जिसने आदम को परमेश्वर की दृष्टि से दूर कर दिया। और आज वो पापी है जिसने परमेश्वर से हमें जुदा किया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमने उस आशीष को पाया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने उस पवित्रता को पाया, उस निष्कलंकता को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पत्र अय्यूब क्यों पश्चाताप करता था? अगर इसका अय्यूब का पहले का पहला हम पढ़ेंगे, दोबारा निकालिए, अय्यूब का पहले का पहला। अय्यूब क्यों पश्चाताप करता था, क्यों वो रोज पश्चाताप करता था? ताकि उसकी निर्दोषता, उसकी पवित्रता, पहले का पहला, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। यानी कि चार करैक्टर, चार चरित्र उसके पास थे, इसलिए वो चाहता था, इसलिए वो पश्चाताप करता था कि ये जो करैक्टर है, खरापन, सीधापन, परमेश्वर का भय, बुराई से दूर रहना, ये मेरे अंदर बना रहे, मेरा खरापन मुझसे कोई ना ले, मेरा सीधापन मुझसे कोई ना ले, मेरी पवित्रता मुझसे कोई ना ले, परमेश्वर का भय मेरे अंदर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय ही आपको आशीष देता है। यिर्मयाह 32 का 40, यिर्मयाह 32 का 40, जो परमेश्वर का भय है वो आपको कहां लेकर जाता है? वो चाहता है कि मेरा भय मेरे बच्चे में आए, वो चाहता है। यिर्मयाह 32 का 40, 32 का 40, बोलिए। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? कि मेरी बेटी, मेरी बेटा मुझसे अलग ना हो, इसलिए वो कहता है कि मैं अपना भय उनके अंदर डालूंगा। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के भय में जिंदगी जिए। हम अगर बैठे हैं, हम अगर काम कर रहे हैं, धंधे में हैं, नौकरी में हैं, कहीं भी हैं, हम जा रहे हैं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो। परमेश्वर का भय हमें दिशा देता है, परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के ही अनुसार चलने में मदद करता है।
इसलिए पश्चाताप, इसलिए अपने अपने आचरण को समझिए आप, अपने व्यवहार को जानिए आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला है? उस गड्ढे में से निकाला है। देखिए, आप अगर उस कीमत को समझेंगे, भजन संहिता 40:2, आपको उस कीमत को समझना है, मैं कहां से निकाला गया हूं। हेलो, तभी आप उस गहराई से उसकी कीमत को समझ सकते हैं और उसके आशीष को खोएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तब आपकी उसकी कीमत, पश्चाताप क्या है? परमेश्वर की कीमत को जानना। पश्चाताप आप कब करते हैं? जब आप परमेश्वर की कीमत को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 40:2 क्या कहता है? उसने मुझे सत्यानाश से, गड्ढे से और दलदल के कीच से उभारा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहां पर था? सत्यानाश के गड्ढे में था मैं, और दलदल की कीचड़ में था। मेरा बहुत बुरा था, मैं बहुत बुरे बुरे समय से गुजर रहा था। मैं पूरी तरीके से, मेरा खानदान, मैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी पूरी तरीके से दलदल में थे। सत्यानाश के गड्ढे में था मैं। जहां था वहां सिर्फ सत्यानाश था और कुछ नहीं था। Praise the Lord। मुझे कहां से निकाला है? वहां से। हमें इस चीज को नहीं भूलना मेरी बहन। यही है कि पश्चाताप हमें याद दिलाता है कि हम कहां थे। पश्चाताप हमें बताता है कि नहीं, हमें वहां से निकलना है। जब परमेश्वर निकाल के आया है तो हमें स्थिर रहना है। इसलिए मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उभारा, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया। और अब मैं फिर दलदल में जाऊं? मुझे कहां खड़ा कर दिया परमेश्वर ने? हेलो, कहां खड़ा कर दिया? चट्टान क्या है? प्रेज द लॉर्ड। मुझे उस चट्टान पे खड़ा कर दिया है। अब मैं उस कीचड़ में नहीं जाऊंगा, अब मैं उस दलदल में नहीं जाऊंगा। इसलिए प्रभु, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ कर। पश्चाताप करो, रोज पश्चाताप करो कि प्रभु, हो सकता है मेरा दिमाग नहीं कह रहा है कि मैंने कोई पाप किया है, मेरा मन नहीं, जैसे पौलुस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है, लेकिन फिर भी ऐसा सोचने में मैं परमेश्वर की निगाह से बच नहीं सकता। अगर उसकी निगाह में मैंने कोई पाप किया है तो मुझे दंड देगा वो। मैं सोचता हूं, पौलुस कहता है, मैं सोचता हूं मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हो सकता है जिसे आप न्याय समझते हो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। Praise the Lord। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर के मन को जान लें। हालेलुया। हमें जानना है, इसलिए हमें उसी तरह से अपने जीवन को बिताना है। इसलिए जो हमें परमेश्वर ने दिया है इस संसार में रहने के लिए, आत्मा, नयापन, मन, वो सामर्थ, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, वो अधिकार जो हमें दिया है, हमें उन चीजों को अपने संग रखना है। और कहीं भी अगर हमें लगे कि वो जा रहा है, हम अपने अधिकार का गलत यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर स्वार्थ आ रहा है, हमारे अंदर लालच आ रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, तो हमें किसी तरीके से अपने आप को पश्चाताप करना है, निकलना है। प्रभु दया कर, मेरे अंदर लालच आ रही है, प्लीज मुझे निकाल परमेश्वर। मेरे अंदर स्वार्थ आ रहा है, नहीं 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 नहीं, हमें स्वार्थ नहीं रखना है। यही तो है पश्चाताप की शक्ति, यही तो है परमेश्वर का पश्चाताप का वरदान। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो मसीह है, भजन संहिता 139:23-24, जो एक मसीह है, जो यीशु को जान चुका है, जो परमेश्वर को जान चुका है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? कि वो कहीं परमेश्वर से दूर ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको 10 लाख मिल गए, आपको 20 लाख, 25 लाख मिल गए, अब आपकी चिंता क्या है कि 20 लाख जाए ना मुझसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको अद्भुत खजाना दिया है, आशीष दिया है। हमें उस खजाने को, इसलिए बाइबल में कभी कभी लोग बोलते हैं कि पास्टर आप बहुत गहराई से प्रचार करते हैं, आप दूध दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। वचनों में दूध क्या है? कि परमेश्वर आपको अच्छा करेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी निगरानी करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, दुख में आपके साथ देगा,
प्रेज द लॉर्ड, कि यही विचार करूं, क्या यही प्रचार करूं, अच्छा लगेगा? लेकिन अगर मैं ये ना बताऊं कि आपको उसका साथ कैसे मिलेगा, कैसे आप उसके साथ रह सकते हैं, कैसे आप उसके साथ चल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यह है मांस, यह है भोजन। दूध पीना है, भोजन खाना है, क्या खाना है? दूध पीना या भोजन खाना है? उसके लिए आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, अगर मुझे परमेश्वर का आशीष चाहिए, अगर वो जो आशीष मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे संग बना रहे, तो मुझे वचन पे चलना ही होगा। नहीं चलेगा कि मैं चर्च में सुनूं और चलूं ना। प्रेज द लॉर्ड, आपको जो सुने हैं आपको चलना पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए कष्ट उठाना पड़े, आपको संसार से लड़ना पड़े, आपको अपने शरीर से लड़ना पड़े। यू हैव टू, मुझे वचन पे चलना है। कुछ भी वचन से ऊपर नहीं है। संसार का कोई भी सुख परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से नहीं है। इसलिए पहले मेरे लिए वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहन, मैं हफ्ता हफ्ता बैठकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि मैं कौन सा ऐसा वचन बांटूं जिससे मेरे भाई बहन सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं। हालेलुया। एक मसीह का, एक विश्वासी का क्या है? साम 139:23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। पहले ही वचन में वो कहता है कि डर रहा है। तूने मुझे चुन लिया, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं तेरा चुना हुआ हूं, तेरी आत्मा मुझ में है, मेरी आत्मा पवित्र है, तूने मुझे पवित्र किया, मुझे शुद्ध किया है, लेकिन फिर भी हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान कि कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस संसार में हूं, जिस संसार से तूने मुझे निकाला था उसी संसार में मैं हूं। मैं जानता हूं मेरे आसपास पाप है, मैं जानता हूं अंधकार की शक्तियां मेरे आसपास हैं, मैं जानता हूं कि शैतान के तीर मेरी ओर हैं, मैं जानता हूं कि शैतान भूखे भेड़िए की तरह, भूखे शेर की तरह मुझे देख रहा है, मैं जानता हूं। इसलिए प्रभु मुझे बचा, इसलिए प्रभु मुझे बुद्धि दे। इसलिए उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी यीशु मसीह ने, कि प्रार्थना परमेश्वर के मुझे आजमाइशों से बचा, मुझे शैतानों से बचा। प्रार्थना याद है? हे पिता परमेश्वर, तुझे स्वर्ग में तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो, मुझे मेरी रोज की रोटी दे, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ कर दे जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, मुझे किसी आजमाइश में मत डाल, मुझे शैतान से दूर रख। ये प्रार्थना यीशु ने की थी, ये प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी कि मुझे आजमाइश से बचा और शैतान से दूर रख। आज वो ये प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को समझ। उसकी चिंता क्या है? आज हमारी चिंता क्या है? आज हमारी चिंता क्या है कि हमने यीशु को पा लिया है, हमने अद्भुत आशीष इस जीवन पा लिया है। हमारी चिंता है कि हम यीशु के आने तक उसके योग्य ठहरे। हालेलुया। हम उसके योग्य बने रहें। वो जब रैप्चर में आ है तब हम उसके साथ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चिंता क्या है? कि हम उस योग्य बने रहें। इसलिए वो कहता है, ईश्वर मुझे जान ले, मुझे परख। अब वो कह रहा है, मुझे परख, मुझे जांच, मुझे परख। अय्यूब क्या कहता है 23:10 में देखिए, वो अय्यूब क्या कहता है, कितना अय्यूब को परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा सच्चा भक्त है, धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखिए भजन संहिता की, यहां पर 139 में भजनकार की क्या है, वो क्या चिंता करता है कि मुझे परख, और वहां अय्यूब क्या कहता है 23:10 में, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कहता है, घमंड है कि जब वो मुझे परख चुकेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए परमेश्वर कहता है वो खरा है। अय्यूब जैसा धरती पर मैंने कोई धर्मी इंसान नहीं देखा, उसके छाले हो गए हैं, उसका धंधा चला गया, उसके बच्चे चले गए, सब कुछ चला गया, फिर भी वो कहता है अगर जब भी मुझे वो तालेगा, जब मुझे परख चुकेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। भजनकार की 139 का 23, यही चिंता है भजनकार की, आज हमारी यही चिंता है, हम कहीं भी रहे परमेश्वर के बने रहे, परमेश्वर के बने रहे, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर है, यीशु हम में दिखे, हम यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जांचे जाएं, जाने जाएं। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप यह है कि हमें अपने आप को जांचने में मदद करता है। पश्चाताप हमें अपने आप को जांचने में मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान ले, और मेरी चिंता यही है कि मैं तेरा बना रहूं। अगला, हालेलुया। और देखिए मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। परमेश्वर प्लीज, मेरी प्रार्थना है, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं धन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं धंधे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं रोटी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि मुझ में कहीं कोई गलत चाल तो नहीं है, क्योंकि प्रभु मुझे तू चाहिए, मेरी आशा, मेरा जीवन तू है, मेरी मंजिल तू है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है और देख के मुझ में कोई बुरी चाल नहीं है, अगर बुरी चाल हुई तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, अगर मुझ में पाप हुआ तो तू मुझे लेकर नहीं जाएगा, अभी देख ले मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अगर कोई बुरी चाल है तो निकाल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं उस बुरी चाल से किसे पीछे पीछे हटूं, बुरे मन से कैसे हटूं, वो विचार जो मुझे गलत तरीके से लेके जाता है उससे कैसे हटूं मैं। आमीन। यह है उसकी प्रार्थना। धन नहीं मांग रहा है, पैसा नहीं मांग रहा है, जो तूने पवित्रता दी है वो पवित्रता मेरे अंदर बनी रहे, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर, क्योंकि अगर तेरी बुरी चाल मुझ में होगी तो मेरा अनंत का मार्ग मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए उस बुरी चाल अगर है तो निकाल दे, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं, मैं कमजोर हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने आप को बचा सकूं, मैं तेरे चरणों में आया हूं कि तू मुझे बचा। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू कौन है। हालेलुया। ये 25, 50, 55, 10, 100 साल जीवन के यूं ही गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे तुझसे मिलना है। हालेलुया। मुझे तेरे सामने बैठना है, मुझे उस सिंहासन पर बैठे हुए तेरे रूप को देखना है, मुझे जानना है कि वो प्यार करने वाला कितना सुंदर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया मेरे लिए, मैं उसको देखना चाहता हूं जो इतना दयालु है। मैं कैसा भी था, मैंने कैसा गुनाह किया था, कितने गंदे विचार थे मेरे अंदर, लेकिन प्रभु तूने एक पल में मुझे शुद्ध कर दिया, एक पल में, मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तेरे पास आना चाहता हूं, इसलिए मेरे अंदर कोई भी गलत चाल है, कोई गंदी बात है तो निकाल दे प्रभु, निकाल दे, क्योंकि मैं शुद्ध रहना चाहता हूं, मैं पवित्र रहना चाहता हूं, मैं तेरे योग्य बनना चाहता हूं। मती 3:7-8। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला फारिसियों को क्या कहता है, देखिए यहां पर, जब लोग बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को पाना चाहते हैं तो क्या कहता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को, फरीसी कौन थे? फरीसी जो दम भरते थे कि हमें मूसा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान है, और सदूकी कौन थे? जो विश्वास नहीं करते थे कि पुनर्जन्म होता है, पुनरुत्थान होता है, सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, और फरीसी
विश्वास करते थे मूसा की व्यवस्था पर, और क्या विश्वास करते थे कि हमारा पिता इब्राहिम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वास करते थे कि हमारा पिता इब्राहिम है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेविकाई शुरू की, जब आराधनालय में आया और जब उसने पढ़ा कि उसका आत्मा मुझ पर है, यशाया 61:1-2, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन बताता है, लूका की पुस्तक आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उससे पहले, जब यीशु मसीह नहीं आया था, उससे पहले आराधनालयों में सिर्फ मूसा की व्यवस्था पढ़ी जाती थी, सिर्फ मूसा की व्यवस्था पढ़ी जाती थी। यीशु ने पहली बार उसने हमको तोड़ा और वचन पढ़ा और कहा कि यह वचन मेरे द्वारा पूरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वहां के फारसी लोग कहने लगे, अरे ये कौन है, क्योंकि वो वचनों को जानते ही नहीं, समझते हैं। और वो फारिसी, वो सदूकी यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास आए पश्चाताप करने के लिए। वो क्या कहता है सुनिए। तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। सांप कौन? यहां सांप किसको कह रहे हैं? शैतान को। वो सांप जिसने हव्वा को वरगलाया था। हालेलुया। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला प्रकोप, जो प्रकोप आने वाला है वो बहुत है। तुम जीवन के लिए आए हो, तुम आत्मा के लिए नहीं आए हो, तुम स्वार्थ के लिए आए हो कि हमारा जीवन हमको मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए पश्चाताप के योग्य फल लाओ। पश्चाताप यूं ही आपका नहीं सुना जाएगा। पश्चाताप आपको वरदान के रूप में क्यों दिया गया है? ताकि आप पश्चाताप के योग्य फल लाएं। जैसा पश्चाताप करें उसके मुताबिक चलें। आप आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे अंत से किसी भाई किसी बहन के अगर मन में क्रोध निकल जाए, प्रेज द लॉर्ड, आप प्रार्थना करते हैं कि मैंने किसी बहन का दिल दुखाया, अपने भाई का, अपने पति का दिल दुखाया है, और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसके योग्य फल लाइए। अगर उस बहन से मिल सकती हैं उससे बोलिए आई एम सॉरी। अपने पति से बोलिए मुझे गलती हो गई। पत्नी से बोलिए मुझसे गलती हो गई। जो आपने पश्चाताप किया है पश्चाताप के योग्य फल लाइए। यूं ही नहीं कि घर में बैठे हुए आपने पश्चाताप किया और फिर वो भाई मिला, फिर वो बहन मिला, फिर पति मिला, पत्नी मिली, लेकिन आपका रवैया चेंज नहीं हुआ। आपने कहा नहीं, नहीं यार कहूंगी नहीं मैं, अगर कहूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी। वो क्या सोचेगा? अरे मेरी बहन, वो सामने वाला भाई बहन पति पत्नी क्या सोचेगा, लेकिन प्रभु क्या सोचेगा? हमें ये देखना मेरा यीशु क्या सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जब आप मन में दीनता लाते हैं, हो सकता है आपके सामने वाला आपके मजाक उड़ाए, हो सकता है आपका पति बोले देखा झुक गई, हो सकता है आपकी पत्नी बोले देखा पति झुक गया, लेकिन पिता परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएगा। आपकी दीनता आपको ऊंचा उठाएगी किसकी नजरों में? परमेश्वर की नजरों में। पश्चाताप। आमीन। हमें हमेशा यह देखना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में दिखें, परमेश्वर की दृष्टि में हम ऊंचे हों, परमेश्वर की निगाहों में हम सही चले। इसलिए धन्य है दीन, धन्य है वो दीन। इसलिए वो कहता है सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बोल दिया कि पश्चाताप करना है? क्योंकि पश्चाताप के योग्य तुम फल नहीं ला रहे हो, क्योंकि अभी भी तुम बोलते हो कि हमारा पिता इब्राहिम है। तुम्हारा पिता इब्राहिम नहीं है, तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान यहोवा है, यीशु का पिता है। जिस दिन तुम अंगीकार करोगे उस दिन तुम पश्चाताप के योग्य फल लाओगे। जिस दिन तुम ये अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह का, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस दिन तुम्हें परमेश्वर का वरदान मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के मुताबिक चाल चलो, पश्चाताप के मुताबिक चाल चलो। हालेलुया। लूका 15:16-20 के बीच में वो बेटा उड़ाऊ पुत्र के नाम से कहानी हम जानते हैं। वो अपने पिता से पैसे लेके चला गया कि बाप
ए डैडी ये मेरा हक है मुझे दो, और गया और शैतान ने उसको उसको खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सारे पैसे गंवा चुका, सेहत गंवा चुका, शैतान ने उसे खोखला कर दिया, अय्याशी में उसने दिन बिताए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जो राजा की तरह रहता था, एक वक्त ऐसा आया कि वह सूअरों को चलाने लगा, और उस पर भी एक वक्त ऐसा आया कि जो खाना सूअर खाते थे उसका मन किया कि मैं वो खाना खाऊं, क्योंकि उसे दूसरा कोई खाना नहीं मिल रहा था। पाप, शैतान हमें पाप की दलदल में इस कदर गाड़ देता है, पाप हमसे कितना घिनौना काम करवा लेता है मेरी बहन, आप सोच नहीं सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरी बहन, मेरी बच्ची, जो परमेश्वर ने हमें उठा लिया। ये परमेश्वर की बहुत 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 कृपा है, ये तो शैतान छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कलीसिया में रहिए, वचनों में रहिए, क्योंकि शैतान अभी भी आपको भूखे भेड़िए की तरह देख रहा है, शेर की तरह देख रहा है। जहां वचन से निकले शैतान ने वार किया, जहां आपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले शैतान ने वार किया। ये जो बच्चा था ये भटक गया, शैतान के चंगुल में आ गया। होता है, हम चकाचौंध देखते हैं दुनिया की, बड़ी अच्छी लगती है चकाचौंध हमें, पैसा मान सम्मान, हम सोचते हैं यही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं समझते कि ये जीवन हमें कहां लेके जा रहा है। वो उड़ाव पुत्र अपना पैसा लेके तो चला गया दूसरे देश, दूसरे शहर में, लेकिन क्या पाया उसने? कुछ भी नहीं। और क्या हुआ? लूका 15:16, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा। कैसे आपे में आया? कैसे आपे में आया? आप अपने आपे में कब आएंगे? जब आपको एहसास होगा कि नहीं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं यहां तक गिर गया, मैं यहां तक गिर गया कि अपने सुख के लिए मैं किसी का भी, किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार हूं, मैं यहां तक गिर गया हूं कि मैं किसी का भी हक मारने के लिए तैयार हूं, मेरा स्वार्थ मेरे ऊपर इतना भारी हो गया है। तब आप पश्चाताप करते हैं। यदि परमेश्वर का भय आप में है, यदि प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, आप पश्चाताप करते हैं। कैसे वो आपे में आया? क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, अरे मुझे क्या हो गया है कि मैं सुअर का खाना खा रहा हूं, मैंने इतना गिरा लिया अपने आप को। हालेलुया। तब उसने क्या कहा? जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, उनके भोजन से अधिक उनको रोटी मिलती है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को जाना है तो आपने महसूस किया होगा कि वो आपको मांगने से ज्यादा देता है। हालेलुया। आप जितना मांगे उससे कहीं ज्यादा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में मेरे मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। यही तो पिता है। अगर आप पिता से एक चीज मांगे वो दो देगा। हालेलुया। आप क्षमा मांगे वो उत्तराधिकार देगा आपको। आप कहें कि पिता मुझे क्षमा कर, मुझे अपना ले, वो आपको पुत्र बना लेगा, सिंहासन दे देगा आपको। वो आप जानते नहीं उस पिता को, उसके बन के रहना है हमें। इसलिए उस पुत्र ने जाना, कब किया जाना? जब पश्चाताप किया। जब उसने पश्चाताप किया कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, तब वो अपने आपे में आया और उसने क्या कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप हमें क्षमता देता है ठीक रास्ते पर आने के लिए। उसने पश्चाताप किया, उसने कहा नहीं,
मैं जाऊंगा और कहूंगा कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। देखिए पाप आपको कमजोर बनाता है लेकिन पवित्रता आपको शक्ति देती है। आपसे गलती हुई है, माफी मांगिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। आपसे पाप हुआ है, माफी मांगिए, परमेश्वर आपको शक्ति देगा और माफ करेगा। इसलिए उसने जब पश्चाताप किया तो एहसास किया, शक्ति पाई कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। 19वां, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊ, मुझे एक मजदूर के नाई रख ले। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जब वो ये प्रार्थना करके, जब वो पश्चाताप की प्रार्थना करके अपने घर की ओर मुड़ा, उसके पिता ने उसे देख लिया, हालेलुया, और दौड़कर उसने पिता को, पिता ने उसको गले लगाया, हालेलुया। कितने साल पहले वो अपना घर छोड़कर गया था, 2 साल 3 साल 4 साल। प्रेज द लॉर्ड। क्या पिता को कैसे पता चला कि वो आ रहा है? कैसे पता चला पिता को आ रहा है? पिता रात दिन उसका इंतजार करता था, वो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार करता है, जो हमारे भटके भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा आएगा, वो एक बार पश्चाताप करेगा, मैं उसे गले लगा लूंगा, वो एक बार मेरे करीब आएगा, वो एक कदम बढ़ाएगा, मैं 10 कदम बढ़ाकर उसे ले लूंगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा जो मुझे नहीं जानता है वो जाने, वो जैसे ही मेरे करीब आएगा, जैसे ही उसके मन में मेरे लिए आएगा पश्चाताप, जैसे ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम आएगा, उसी तरफ मैं आऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 34:18, Psalm 34:18, आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है, आज भी पिता इंतजार कर रहा है कि मैं अपने बच्चे को गले लगाऊं। उसने उस बच्चे से नहीं पूछा कि तूने क्या पाप किया, तूने पैसा कहां खर्च किया, नहीं, तू जिंदा आ गया है, तू वापस आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34:18 देखिए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जिसका मन टूटा हुआ है, जिसका मन पश्चाताप करता है, जो अपनी गलतियों को मानता है, जो परमेश्वर को चाहता है, जो परमेश्वर के चरणों में आना चाहता है, उसके समीप रहता है परमेश्वर। जैसे ही आपने पश्चाताप किया, जैसे ही आपने अंगीकार किया, जैसे ही आपने अपने पापों को अंगीकार किया, उसी पल परमेश्वर आपको ले लेता है, उसी पल प्रभु आपके अंदर आ जाता है और आपको पवित्र कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो इंतजार करता है मेरी बहन। अगर हमने कोई गुनाह किया है, गलती की है, प्रभु में रहते हुए भी तो आज मौका है, पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए, उससे कहिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है। इसलिए वो कहता है मत्ती 6:6 में कि प्रार्थना करो और अंदर आओ, अंदर वाले रूम में आओ। हर भाई हर बहन का एक अंदर का रूम है, हर औरत का, हर इंसान का अंदर का एक रूम है, जिसमें पूरी तरीके से ना आपका पति गया है, ना आपकी पत्नी गई है, कहीं नहीं गया। कहीं कुछ ऐसे पाप हैं, कहीं कुछ ऐसी 15-20% बातें हैं जो आप किसी को नहीं बताते, जो आप किसी को नहीं बताते। कुछ ऐसी बातें हैं जो यहीं रहती हैं, 15-20% ऐसी बातें होती हैं जो ना आप अपने गहरे दोस्त को बताते हैं, ना पत्नी को, ना पति को, वो यहीं रहती हैं। इसलिए वो कहता है मत्ती 6:6, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। एक मिनट, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में आ, अंदर की कोठरी जिसको तूने बंद किया हुआ है उसको खोल, किसी से मत बोल, अपने पिता के सामने घुटने टेक और उससे बोल कि मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, लेकिन ये पाप मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये पाप
मुझे बेचैन करता है। मांगिए प्रार्थना, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से पवित्र होना है। गुप्त में अगर आपने कोई पाप किया है, आप समझते हैं किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लिए आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर एक पल में आपको माफ करेगा, एक पल में। लेकिन क्या है, जिस पल हम अपनी अंदरूनी कोठरी में जाते हैं, अपने अंदर का दरवाजा खोलकर हम जाते हैं और उस पाप को निकालते हैं और प्रभु से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु आपको माफ करता है, मेरे भाई आप नहीं जानते, एक नई शक्ति, एक नई ज्योति आपके अंदर आती है। नई ज्योति, नई शक्ति आपके अंदर आती है। आज नहीं, कल नहीं, बचपन में कभी कोई पाप किया हो, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्षमा मांगिए, अंदर की कोठरी में जाइए। प्रेज द लॉर्ड, आपके मन की शुद्धता परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या कहता है, मत्ती 5:8, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे। आपके मन की शुद्धता ही आपको परमेश्वर दिखाएगी। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे मन की शुद्धता हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है, मत्ती 16:24-25 में, खुद का इनकार करो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, वो मेरे पीछे हो ले। पश्चाताप क्या है, खुद का इनकार करना, अपना इनकार करिए, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का। दूसरा, परमेश्वर कहता है आपको, अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है, मिठाई छोड़ो, चावल छोड़ो, आलू छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको अच्छी जीवन जीना है तो आपको मिठाई को इनकार करना पड़ेगा, तले हुए खाने को इनकार करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, यीशु चाहिए तो खुद का इनकार करो, खुद यानी कि खुद के स्वार्थ का, अपने मोह का, मोहक माया का, लोभ का इनकार करो, तब तुम मेरे पीछे आओगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ अंतिम शब्द को देखते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन इस पूरे वचन को देखिए, अगर आपके अंदर मोह नहीं है, अगर आपके अंदर लोभ नहीं है, अगर आपने स्वार्थ निकाल दिया है, अगर आप परमेश्वर की न्याय चलते हैं, उसके वचन आप में हैं, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। यानी कि अगर आप खुद का इनकार करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्या चाहिए, अपना स्वार्थ, पैसा, बिजनेस, धंधा या यीशु? प्रेज द लॉर्ड। खुद का इनकार करो, तब मेरे पीछे हो लो। और खुद का इनकार कैसे करेंगे, जब आप मोह लोभ से दूर रहेंगे। वो किसी तरीके का मोह लोभ हो सकता है, वो किसी तरीके का मोह हो सकता है। बहन, ये बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं मेरी बहन, ताकि हम तैयार हों। ये मेरा बोझ है कि मैं आपको सत्यता की ओर लेके जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कल को यीशु आएगा, अगर हम में से कोई रह गया तो आप कहेंगे, पास्टर ने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे सही जीवन जीना है तो ही मुझे यीशु लेके जाएगा, पास्टर ने मुझे बताया नहीं कि मोह मत करो, लोभ मत करो, तभी यीशु लेके जाएगा। तो परमेश्वर मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझे पास्टर क्यों बनाया। प्रेज द लॉर्ड।
हम सब यहां पर उसको जवाब देने के लिए, उसकी सुनने के लिए यहां पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता हूं आप मेरी सुने। मुझे आपको नहीं देखना है, मुझे परमेश्वर को देखना है। जो उसने मुझे ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिया है, मुझे उसको निभाना है, और पूरे मन से, पूरे समर्पित भाव से, और उस पर चलना है। अगर मैं इन चीजों पर नहीं चलूंगा तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो आपके जीवन में काम भी नहीं करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है खुद का इनकार करो। जब तुम खुद का इनकार करोगे तो मुझे पाओगे, क्योंकि मैं तुम में रहना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 17 का 21 निकालिए। वो पिता परमेश्वर से यीशु क्या प्रार्थना करता है, किस तरह तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। पर ये बहुत सी प्रार्थना है। देखिए क्या चाहता है परमेश्वर। वो कब होगा, जब हम उसका, जब हम खुद का इनकार करेंगे। क्योंकि मेरे और प्रभु के रास्ते में कौन है? मैं आ गया हूं। मेरा मैं प्रभु और मेरे बीच में आ गया है। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हूं। वैसे ही जैसा तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, मेरे चेले, मेरे बच्चे भी हम में आ जाएं। कैसे? क्योंकि यीशु ने खुद का इनकार किया। उसने कहा नहीं, मेरा पिता सब कुछ है, जो मैं देखता हूं वो करता हूं, जो मैं सुनता हूं वो बोलता हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं, मेरा पिता है। हालेलुया। उसने पिता को ऊंचा उठाया, उसने पिता को महिमा दी, पिता उसमें आ गया। जिस दिन हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी, जिस दिन हमारे व्यक्तिगत जीवन से यीशु की महिमा होगी, वो आप में आ जाएगा, वो आप में रहेगा। आप महसूस करेंगे कि यीशु आप में रह रहा है, आप महसूस करेंगे कि पिता आप में रह रहा है। जिस दिन आप अपने से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर अपने से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करेंगे, जितना जिस दिन आप महसूस करेंगे नहीं, मेरा पिता मुझ में रहे, मेरा पिता मुझ में दिखे, यीशु मुझ में दिखे, उस दिन अद्भुत आप महसूस करेंगे कि पिता आप में है, वो आपके अंदर चल फिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके अंदर चल फिर रहा है। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि मैं अपने बच्चों के अंदर चलना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। इसलिए उसने आपको मंदिर कहा है, इसलिए उसने हमें मंदिर कहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पश्चाताप हमें एक नई दिशा देता है, पश्चाताप हमें सही दिशा, सीधे रास्ते पर लेकर आता है। इसलिए पश्चाताप का वरदान अगर हमें मिला है, उस वरदान को हमें थामना है। हमें कोई गलती होनी है, पश्चाताप करिए कि परमेश्वर दया कर, ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, ताकि कोई भी गलत बात हमारे द्वारा ना हो, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम ना करें। हमारे साथ वही काम हो, हमारे जीवन में वही काम हो जो परमेश्वर चाहता है, वो काम जो हमें रोज बरोज परमेश्वर के करीब लेकर जाए। हम रोज देखें कि आज से कल, कल से आज हम परमेश्वर के और करीब हैं कि नहीं है। हम रोज जांचें अपने आप को कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मैं और कितना जान पाई हूं, मैं और कितना करीब हूं परमेश्वर के। ये आपको जांचना है, तब आप देखेंगे हर पल, हर दिन, हर हफ्ते आप प्रभु को अपने करीब पाएंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। सच कह रहा हूं, आप वो सुख पाइए जब आप परमेश्वर की आवाज सुनिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं, वो मुझसे बात करता है। उसकी आवाज में वो आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को जांचिए हर दिन, हर पल, कि मैं और प्रभु के करीब आऊं और परमेश्वर के चरणों में आऊं। वो आपको यूज करेगा, आपसे बात करेगा। उसने आपको क्यों रचा है, उसने आपको क्यों बुलाया है, वो आपको उसी के अनुसार बुद्धि देगा, वो आपको लेके चलेगा अपने साथ। कोई कमी घटी हो ही नहीं सकती है।
कोई नहीं, आपको कमी घटी हो रही है, मुझे आश्चर्य है। उसका वचन सिद्ध है। तो क्या खाएगी, तो क्या पहनेगी, तो कहां रहेगी, इसकी चिंता मत कर। मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सब चीजें तेरे पीछे आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? तेरे पीछे आएंगे। उसने नहीं कहा मैं दूंगा, तेरे पीछे आएंगे क्या मतलब हुआ? वो दे चुका है उन चीजों को। ये आदेश है जो सुख, संसार के सुख को, वो दौलत, वो रोटी, वो पैसा, वो मकान, उनको ये आदेश है कि जो बच्चा मेरे राज्य की खोज करे उनके पीछे लग जाओ। उसके पीछे वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। यार हम उनके पीछे भागते हैं, नहीं, हमको प्रभु के पीछे भागना है। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष मिली। बोलिए यीशु मसीह की जय।